नमस्कार, जोकटक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग द रिसेंटली कंडक्टेड HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए, हमारी कोशिश में ये है कि हम इसके पीछे पॉसिबल रीजंस देख रहे हैं, टेक अवेज हम आपके लिए लेके आएंगे, इनसाइट्स हम आपको बताएंगे कि व्हाट प्रॉम्प्टेड द कमीशन टू सेट दिस पेपर एंड क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, कि हाउ देयर इज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेंड। सो तो इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर का सेगमेंट, उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको आगे के लिए भी बताना चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ करंट अफेयर सेगमेंट इज रेलेवेंट और क्या पढ़ना है आपको, राइट? सो शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। एज यू हैव ऑलरेडी सीन दीज सम वाइटल इंफॉर्मेशन, तो देखिए, एक ऑसम प्रोग्राम हमने शुरू किया है। सो वी आर एक्चुअली गेटिंग लॉट ऑफ गुड फीडबैक्स इन दिस। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम इस ऑसम प्रोग्राम को, देखिए, जो आपका है आंसर राइटिंग एंड सिलेबस मास्टरी, तो ये एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम क्रिएट किया है हमारी टीम ने, दैट इज़ रिगार्डिंग द HPAS मेंस एग्जामिनेशन जो अभी आगे होने वाले हैं, या कोई भी आपके मेंस जो भी रहेंगे HPAS के, राइट? सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th अक्टूबर टू 30th नवंबर। लगभग 45 डेज का ये जो कोर्स है वो रहेगा। एंड थोड़े से आपको इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं बताना चाहूँगा। क्लासेस आपकी मंडे से सैटरडे तक रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे। टाइमिंग्स आपकी 4 आवर्स क्लासेस डेली होगी, 2 आवर्स GS की होगी और साथ में 1.5 आवर्स की आपकी HPGK भी रहेगा। हाफ एन आवर की आंसर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट। टोटल आवर्स आपके लगभग इसमें 180 आवर्स बनते हैं पूरी ड्यूरेशन में। एंड इफेक्टिव आंसर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि देखिए, हमने क्या किया है, वी हैव एक्सट्रैक्टेड दी वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच जीएस एंड जो एसेज के लिए भी रेलेवेंट रहते हैं, राइट? सो वी हैव एक्सट्रैक्टेड दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको कनेक्टिविटी करवाई जाएगी करंट के साथ, राइट? सो दैट विल गिव यू दी एज, राइट? सो तो ये हमारा प्रोग्राम है। आप इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, आप जुड़िए हमसे जोकटक अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में। सो एंड सेकेंडली, HPAS क्योंकि मेंस आगे होने वाला है, तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च की है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया जाएगा मेंस का, जिसमें बुक्स रहती है, नोट्स रहते हैं, एसेज के लिए, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर सके, राइट? क्योंकि आप देखेंगे, मेंस इज नॉट अबाउट हाउ वेल यू कैन राइट, मेंस हैव सो मेनी थिंग्स। मेंस के लिए आपको आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना ज़रूरी होता है, उसको डिकोड करना ज़रूरी होता है, देन यू हैव टू फ्रेम दी क्वेश्चन, योर आंसर अकॉर्डिंग टू वॉट हैज़ बिन आस्क्ड, और उसके साथ आपको फिर एनरिचमेंट के लिए भी मटीरियल चाहिए होता है। सो यू सी, तो वी हैव डिसाइडेड कि वी वॉन्ट कि आप सभी को एक एनरिच्ड सोर्स मिले, एक रिसोर्स मिले जो आपको हेल्प करे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट सेगमेंट, जो कि HPAS प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इफ़ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? सो ये करंट का बिल्कुल टॉपिक है, और देखिए, इसका आंसर है आपका सी। वाई? बिकॉज हमारे पास एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, जो कि एक बहुत ही रिलेवेंट एक्ट है टू एड्रेस द डिजिटल स्पेस, साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स, ई कॉमर्स, राइट? तो बहुत रेलिवेंट ये एक्ट है। बट यू सी, इस एक्ट में थोड़े ऐसे न्यूआंसेस नहीं हैं जो कि जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो इसको अमेंड करने की गवर्नमेंट ने प्रपोजल अभी सिर्फ किया है, राइट? इट हैज़ नॉट बीन इनएक्टेड एज ऑफ नाउ, बट सिर्फ एक प्रपोजल आया है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 एक प्रपोजल है एक्ट का, राइट?
तो ये है राइट इसका आंसर है 2000। देखिए इससे पहले भी जो ये अमेंडमेंट है हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में राइट 2018 में 2021 में इनफैक्ट है आईटी रूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट इस पूरे एक्ट को अब रिवैम्प करके इसका नाम होगा डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 राइट। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका क्योंकि ये लगभग मई जून के आसपास ये जो एक्ट है प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने। सो it is related to the act right. So coming on to this, the answer is this. See, now coming on to the next question, which organization releases the SDG index, India index, which comprehensively documents the progress made by India states and union territories towards implementing the 2030 SDG targets. So sustainable development goals, jaise ki aapko pata hai United Nations framework convention for climate change ki आप देखेंगे कि 2015 में ये लॉन्च किए गए थे। सो 2030 तक ये टारगेट्स अचीव करने की बात की गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। सो इंडिया में एसडीजीज टारगेट्स को इंप्लीमेंट करने का जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी नीति आयोग। सो आंसर वुड बी नीति आयोग राइट। ओके दिस वाज अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ द अदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the correct ascending order of Indian states on the basis of the poverty headcount ratio as per the National Multidimensional Poverty Index measured by Niti Aayog? देखिए इसकी रेलिवेंस क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखिए जो क्वेश्चन अब आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं बट आप किस तरीके से अपनी तैयारी को चैनलाइज करेंगे वो इनसाइट एक्सक्लूसिवली हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं राइट कि आपको अपनी तैयारी को किस फ्रेमवर्क में किस ब्लूप्रिंट में रखना है राइट। तो देखिए इसके पीछे का जो लॉजिक है रैशनल है कि क्यों व्हाट प्रॉम्प्टेड द कमीशन टू सेट दिस क्वेश्चन इज दैट कि आप देखेंगे वी हैव समथिंग लाइक ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स GMPI जो कि आप देखेंगे हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे कंट्रीज की रैंकिंग करता है कि कितनी कंट्री कितना पुअर है। मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है अलॉन्ग विद दी ऑक्सफोर्ड। सो तो उसी के तर्ज पे इंडिया भी इंडिया का नीति आयोग विच इज़ दी थिंक टैंक वो भी एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च करता है राइट। सो अब ये पूछा गया कि हेड काउंट रेशो क्या है। देखिए इसके लिए पूरी रिपोर्ट आती है हर साल रिपोर्ट ये आती है हर साल ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग इंट्रोड्यूस करता है राइट। तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली पूछा गया है बताया गया है आपको कि इसकी यहाँ पे पावर्टी हेड काउंट रेशो क्या। देखिए पावर्टी हेड काउंट रेशो इज यूजुअली द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर लिविंग बिलो दी नेशनल पावर्टी लाइन से बिलो रह रहे होते हैं राइट। तो इसमें पूछा था राइट आपसे कि व्हाट इज दी ऑर्डर ऑफ दिस। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिहार में है। सो आप इसको क्लियरली आप देखिए अगर आप पूरी आपने ये रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है या इंडेक्स भी नहीं पढ़ा है सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज इसमें देयर वाज दी दैट स्पेस था आपके पास एक रूम था कि इसमें आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते थे। वाई बिकॉज बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पॉवर्टी हेड काउंट रेशो है दैट इज़ लगभग 28% के आसपास। डेफिनेटली कम हुई है पिछले 2019-20 से बट अभी भी बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो अमंग दिस राजस्थान इज हैविंग द लेस हेड काउंट दिस पॉवर्टी रेशो पॉवर्टी हेड काउंट रेशो। सो द आंसर इज योर ए टू दिस। तो देखिए यहाँ पे रेलेवेंस आता है रिपोर्ट्स का राइट रिपोर्ट्स का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023। देखिए ये डेज जो है डेज और उनकी थीम्स राइट तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाते हैं तो इस बार की थीम जो रही है उसकी वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो आंसर बिकम्स योर बी। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिले हैं तो उसमें से एक ये भी है जो कि करंट से आ रहा है। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। दिस इज करेक्ट है राइट। 2021 में गति शक्ति जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है जहाँ पे जो वेरियस मिनिस्ट्रीज है और जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं राइट उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आया जाए। तो ये आप देखेंगे दिस इज़ करेक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है।
सो देखिए दे हैव प्लेड हेयर. गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन 12 पिलर्स. तो आंसर इसका 6 पिलर्स था बेसिकली. इसके 6 पिलर्स रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, डायनामिक्स. तो ये 6 पिलर्स थे, तो आपसे 12 पिलर्स कहे गए थे. तो अगेन ये क्वेश्चन का सोर्स आपका है जो स्कीम्स हैं, राइट. तो ये स्कीम बहुत ही रेलेवेंट स्कीम्स हैं, राइट. तो आपको स्कीम्स रिपोर्ट्स करके जाना. अब पिछले एक दो साल से यही ट्रेंड आ रहा है, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग दी रिपोर्ट्स एंड दी स्कीम्स. देखिए पहले ये होता था कि स्कीम्स में वो सिर्फ ईयर पूछ लेते थे, राइट. तो अब वो अंदर का कंटेंट भी उसमें पूछ रहे कि दैट स्कीम इज ऑल अबाउट व्हाट, राइट. तो आपको उसको होलिस्टिकली प्रिपेयर करके जाना होता है, राइट. सो दिस इज अगेन फ्रॉम द स्कीम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आंसर इसका देखिए क्या है. फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, राइट. क्योंकि मैंने आपको बताया 6 पिलर्स है, राइट. सो आंसर इसका बी रहेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 65 ईयर्स एंड अबव इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 6.2 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डो नॉट नो कि वॉट प्रॉम्प्टेड कमीशन टू सेट दिस क्वेश्चन. बिकॉज लुक फिर भी हमें तो लॉजिक निकालना होगा, रैशनल निकालना होगा, राइट. पर देखिए ये रिपोर्ट 2021 का पूछा है आपसे, क्योंकि आप देखेंगे अभी यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पे ये कहा गया है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसको सरपास कर चुका है इंडिया, राइट. तो वहाँ से हम इसको सोर्स कर सकते हैं. बट देखिए अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर, क्योंकि ये 6.2 है. आई हैव फाउंड समथिंग कि एज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, एक रिपोर्ट आई थी 2011 से 2021 के बीच क्या थी. तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि 68.8% लोग हैं जो 65 ईयर्स से ऊपर रहते हैं इंडियन पॉपुलेशन में, और ये 2020 की ही है. इन अबाउ इन 2021 यू कैन क्लियरली सी दिस. तो इसके हिसाब से तो आंसर इसका 6.8 है. तो जो स्टेटमेंट वन है इट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट. अच्छा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 0.98, राइट. कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2021 की, अगेन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आई डोंट नो कि एक्चुअली में क्या इसके पीछे का लॉजिक है. बट ऑफकोर्स सोर्स हमें ज़रूर करना होगा, राइट. क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता है कि जो डूएबल नहीं होते, राइट. सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट. तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, तो इसमें आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स यूनाइटेड नेशंस निकालता है, प्रोस्पेक्ट्स निकालता है अगले 50 इयर्स के, 60 इयर्स के, कि पॉपुलेशन हर एक कंट्री में कितनी रहेगी. तो ये इनफैक्ट आप देखेंगे कि लॉजिकल अगर बात हम करें, लॉजिक ये भी होता कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में लेटेस्ट आया है, वहाँ से भी डाटा पूछा जा सकता था. बट जो ये डाटा है पूछा गया है 2021 का, जो बेस्ड है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के. तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो 0.97% है. देखिए मैंने आपको कहा है कि अगले आने वाले 50 ईयर्स के लिए भी ये रिपोर्ट आती है, राइट. तो ये रिपोर्ट आपने याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स. तो यहाँ से इसका सोर्स आया है, राइट. सो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया. मैंने अगेन आपको कहा है कि कुछ ऐसे डूएबल क्वेश्चंस, सॉरी ऐसे अनडूएबल क्वेश्चंस भी होते हैं जो नहीं होते, राइट, जो डूएबल नहीं होते. सो इसका आंसर 0.98 नहीं है. टू बी परफेक्ट तो इट शुड बी टू समवेयर 0.97. तो हमारे हिसाब से इसका बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, राइट. सो क्योंकि ये नंबर वेरी कर रहे हैं, राइट. ओके सेकेंड इज, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 32% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत ही डिलिबरेट करने के बाद वी हैव फाउंड समथिंग, जहाँ पे एक जो ILO एस्टिमेट है वहाँ से ये डाटा लिया गया है. ILO ने एस्टिमेट किया था, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि 2021 में इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है वो कैसे है. तो उसके हिसाब से अगर हम देखें 30.7% पीपल आर एम्प्लॉयड इन योर सर्विस सेक्टर, 30.7, है ना. ये 2021 का डाटा है जो हमसे पूछा गया है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर
ILO estimate basically. तो आप देखेंगे यहाँ पे 32% है, so according to ILO estimate it should be 30.7. तो ये statement incorrect हो जाती है. The percentage of the population that is employed in the industrial sector in India as of 2021 is around 30% of the Indian population. वही ILO estimate ने यहाँ पे इन्होंने सर्विस सेक्टर के बारे में एस्टिमेट दिया था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी दिया है. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर आप देखें सेम रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से इट शुड बी 25.34%, राइट. तो वो भी वेरी कर रही है यहाँ पे, सो इट इज 30%, तो इसका आंसर 25. तो अगेन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है, राइट. अगेन आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया है. सो दीज क्वेश्चंस आर यू सी दे मे बी लिफ्टेड क्वेश्चंस, राइट. तो इसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. बट अगेन देखिए यहाँ से बस एक चीज आपको टेक अवे फ्रॉम हियर इज कि आपको रिपोर्ट्स और इंडेसेस कॉम्प्रिहेंसिवली उसके अंदर क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, वो भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री समिट वॉज हेल्ड इन हेग. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट. देखिए तो ये इंटरनेशनल आप देखेंगे इश्यूज से या करंट अफेयर्स से, ऑफकोर्स यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबमिट हुआ था ये हेग में ही हुआ था, नेदरलैंड्स में. एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबमिट जो कि काफ़ी हाईलाइट में रहा था वो अप्रैल में नहीं मार्च में हुआ था. तो अगेन मैंने आपको कहा है कि वो डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है, राइट. डिटेल्स जानना, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कोई भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप उस न्यूज़ के को आप उसको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखिए कि उसमें डेट्स भी इंपॉर्टेंट है और उसकी फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है, उसके आउटकम्स क्या है. अगर कोई सबमिट हो रही है, कोई बायलेटरल टॉक्स हो रही है या कोई और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग्स हो रही है, सबमिट्स हो रही है, तो उसकी फाइंडिंग्स मींस आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो अगेन सो आंसर इसका है योर स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट बेसिकली, राइट. ठीक है जी. सो फर्स्ट इज करेक्ट. देन अरेंज द फॉलोइंग मिशंस इन इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, है ना. न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है, राइट. कि मतलब पहले जो नए हैं, तो आप देखेंगे ये भी बहुत न्यूज में था साउथ सूडान, सॉरी सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ से जो भारत के लोग रहते हैं उनको निकालने के लिए जो मिशन है वो कावेरी मिशन है. निपुण भारत मिशन 2021 में आया था, राइट, टू इनकल्केट दी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एबिलिटीज इन दी चिल्ड्रन. फिर मिशन इंद्रधनुष इज दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर दी फीमेल्स एंड दी चिल्ड्रन. एंड वंदे भारत मिशन, एज यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, राइट. देखिए यहाँ पे अब देख रहे कि कावेरी मिशन है जो इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट मिशन वाई, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड दिस ईयर ओनली 2023 में. इसके साथ ये जो दूसरे मिशन हैं इनको जोड़ा गया है क्योंकि दे आर सिमिलर मिशन है ना, समट सिमिलर मिशन, राइट. जैसे आप देखेंगे वंदे भारत मिशन था जो स्ट्रैंडेड जो इंडियंस थे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में थे या इंटरनेशनल मतलब दूसरी कंट्रीज में थे ड्यूरिंग कोविड, उनको वापस लाने के लिए दिस वॉज द मिशन जो 2020 में लाया गया था, राइट. तो आप देखेंगे न्यूएस्ट इसमें 2023 में सबसे पहले आपका टू है, राइट. उसके बाद मैंने आपको बताया है कि सबसे लास्ट में आप देखेंगे मिशन इंद्रधनुष 2014 में. तो न्यूएस्ट आपका टू है एंड आपका जो लास्ट है वो आपका यूजुअली आप देखेंगे वो आपका है मिशन इंद्रधनुष, राइट. तो आपने इसको इसकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई थी, राइट. ठीक है जी. ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ईयर ऑफ द लॉन्च, राइट. तो अब अगेन इसमें आपसे ईयर पूछे गए हैं. मेक इन इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्टार्टअप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अगेन ये भी आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से हो सकता था, यस, है ना. तो ये आप देखेंगे 2008 का है, राइट. 2014, 2016, 15, 16, राइट. तो आंसर इसका आपका बनता है 4, 1, 2, 3, राइट. अब देखिए ये क्यों आए हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया न्यूज़ में इसलिए थे. जैसे आप देखेंगे मेक इन इंडिया को 9 ईयर्स कंप्लीट हुए, राइट. तो कंप्लीशन में ये आना बहुत ही ऑब्वियस है, राइट. तो आपको स्कीम्स जो कि आउटस्टैंडिंग स्कीम्स है, मींस जो हाईलाइटेड स्कीम्स इंडिया की, उनको करके जाना है. जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो जनधन अकाउंट योजना है, जनधन योजना है, उसके भी 9 ईयर्स हुए हैं. उज्ज्वला योजना के जिसका क्वेश्चन आया है, राइट, उसको भी आप देखेंगे 7 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. तो ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अगेन वही आपसे डेट्स पूछी गई है. आयुष्मान भारत राइट जो 18 में आया था, उज्ज्वला 16 में, गतिशक्ति 21 में, गरीब कल्याण योजना 2020 में, कोविड की टाइम भी आई थी. तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, 2143 राइट. तो द करेक्ट ऑर्डर इज दिस. अगेन ये भी आपको देखना है कि स्कीम्स की इस बार इन्होंने डेट्स ज़्यादा पूछी है शायद. Now the next question is, arrange the following international groups in order of their establishment from older to newer, right? तो इसमें भी हमसे पहले जो बने हैं organizations उसके बारे में पूछा गया है. Usually देखिए you see इसका answer C रहेगा. Why? Because Paris Club जो है, Paris Club वो 56 में बना था और OPEC आपका बना था 60 में, राइट. तो इंडिया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आपका 2018 में बना था. वासेना अरेंजमेंट आपकी 66 में आई थी. देखिए इसके पीछे का मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहूँगा. पेरिस क्लब न्यूज़ में क्यों था, देखिए आपको आपको अपनी तैयारी को, इन क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस तो आ गए हैं पर इन इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको तैयारी को चैनलाइज कैसे करना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. पेरिस क्लब जो 1956 है, अब देखेंगे आप कि श्रीलंका इज़ गोइंग थ्रू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस. तो उनको लोन देना था 2.1 बिलियन का, जो लोन जाना था वो IMF से वो ले रहे थे राइट, श्रीलंका. तो वहां पे उनकी गारंटी पेरिस क्लब ने दी. तो पेरिस क्लब एक वेस्टर्न जो क्रेडिटर नेशंस हैं जिसमें लगभग 80-90 नेशंस आते हैं, 56 में ये बना था राइट. USA, UK, आयरलैंड, बहुत सी कंट्रीज, लगभग 19 कंट्रीज इसमें पेरिस क्लब में आती है. तो उन इस पेरिस क्लब ने गारंटी दी थी श्रीलंका की टू IMF राइट. सो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसके पीछे का लॉजिक है राइट. फिर वासेनार अरेंजमेंट, अभी हम आगे एक और भी आया है क्वेश्चन वासेनार अरेंजमेंट से राइट. तो उसकी रेलेवेंस भी है क्योंकि इंडिया इस बार प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप मिल गई है इंडिया को. 1 January को शिफ्ट हो गई थी वासेनार अरेंजमेंट की, जो न्यूक्लियर ट्रीटी है एक तरीके की रिलेटेड टू दीज आर्म्स एंड एमिनेशंस. तो वहाँ इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. और इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन नेवी राइट. तो इन सभी में कुछ ना कुछ हुआ है इस साल, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट राइट. ओके, सो आंसर इज सी. देन न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल एनर्जी जनरेशन, ये स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछी गई. तो इसका आंसर 2 and 3 था राइट, 2 and 3 क्योंकि 5th लार्जेस्ट है, दैट इज करेक्ट. 7 पावर प्लांट, दैट इज करेक्ट क्योंकि ये इट इज़ ओनली लगभग 33% के आसपास जो टोटल एनर्जी जनरेशन है न्यूक्लियर एनर्जी से इंडिया में आती है राइट. तो अपकमिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गोरखपुर विलेज UP में नहीं है, बेसिकली हरियाणा में है. तो आपका 1 और 4 इनकरेक्ट हो जाता है. सो 2 and 3 इज योर करेक्ट आंसर टू दिस. Now the next question is, India became member of Wassenaar arrangement in 2023. 17th Asia Pacific regional meeting aapke Singapore. 9th India Oman strategic dialogue will be conducted in Oman in 2024. Right? So dekhiye yahan pe it is very easy to do with your elimination method. Kyunki 2023 nahi 2017 mein India Wassenaar arrangement ka पार्ट बना था. हाँ 2023 में इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जो इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स है या इंडिया किसी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन रहा है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है जहाँ पे वासेनार अरेंजमेंट इंडिया 2017 में उसका पार्ट बन गया था और ये 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग आपकी सिंगापुर में हुई है, तो दिस इज़ करेक्ट. थर्ड भी आपका करेक्ट है, ओमान जो जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा ओमान के साथ वो 2024 में होगा. फिर ओमान इज़ द गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, तो गिब्राल्टर आपको पता है इट इज़ रिलेटेड टू यूरोप है ना. तो यहाँ पे हॉर्मूज शुड बी द आंसर है, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. तो आंसर इसका 2 and 3 रहेगा राइट, 2 and 3 आर करेक्ट है, बाकी आपके इनकरेक्ट है राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाहन मित्रा स्कीम. वाहन मित्रा स्कीम ये इंदिरा रसोई स्कीम, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम, गौशाला स्कीम. देखिए टेक अवे क्या है यहाँ पे कि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी पूछी जाती है. द स्कीम्स दैट इज रेलेवेंट ऑन द नेशनल फ्रंट वो भी इम्पोर्टेंट है और स्कीम्स जो कि आपकी स्टेट स्पेसिफिक है वो भी इम्पोर्टेंट है. इसका आंसर डी रहेगा राइट. आपका देखेंगे आप इंदिरा रसोई, जैसे वाहन मित्र आप देखेंगे इट इज टू आंध्र प्रदेश, इंदिरा रसोई राजस्थान का है, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम गुजरात की है, गौशाला प्रोजेक्ट आपका मध्य प्रदेश का. तो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी इस बार देखने को मिली हैं. तो आंसर इज योर डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफेंस एक्सरसाइज आपसे पूछी है ना, सिंपल सा इसका लॉजिक है कि आपसे डिफेंस एक्सरसाइज पूछी जाती है. इसका आंसर वैसे सी है, इट इज़ वेरी इजी टू डू. व्हाई? बिकॉज सूर्य किरण आप देखेंगे इंडिया नेपाल के साथ, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, ये विजय नहीं वज्र प्रहार है, राइट? तो इसका इंडिया यूएस के साथ, सिम्बेक्स आपका इंडिया सिंगापुर के साथ, राइट? सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम योर करंट सेगमेंट, राइट? तो थोड़े से ट्रेंड आपको देखने को मिले हैं. देर इज़ अ शिफ्ट ऑफ द ट्रेंड जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं. सो आई विश कि आप सभी के एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे. सो डू नॉट पैनिक. देखिए अब आपको यू नीड टू बैक योर सेल्फ, राइट? अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वी हैव ऑल्सो गिवन दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका हमने 100 प्लस माइनस 5 बताया है. सो बी होपफुल, राइट? आप देखिए ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिपरेशन तो यही रहता है कि आपको यूजुअली आइडियली आपको मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए. सो बी होपफुल, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू इन द इकोनॉमिक एनालिसिस नाउ. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.